हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे से संबंधित नोटिस देखेंगे। इस नोटिस में बताया गया कब तक हम लोग का पीटी चला है, कितना दिन पीटी चला है, और इसमें ये बताया गया है हम लोग का पीटी कब से स्टार्ट हुआ था, हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकता है, डीबी कब से स्टार्ट होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे हम टिक लगाए हैं। देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे लिखा है, इसमें कितना वैकेंसी है, कितना था आप लोग को पता होगा, 4914। 31 दिसंबर को नोटिस दिया गया था हम लोग का पीटी जो चलेगा 17-15 से, मैंने लगभग स्टार्ट होगा, 20 भी डेट दिया गया था और 17 से स्टार्ट भी हुआ। कितने कैंडिडेट शामिल होते हैं, 14742, ठीक है। और ये 4 दिन तक चला था पीटी, 17, 18, 19 और 21 को चला था। ये डीबी पीटी समाप्त हो गया था 22 जनवरी 2023 को। हम लोग का जो डीबी है, यहाँ पे ये डीबी स्टार्ट होगा 1 फरवरी। डीबी के लिए मैंने हम लोग का जो शॉर्ट लिस्टेड मैंने लिस्ट आएगा 1 फरवरी के लिए आ सकता है। पीटी का शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट डीबी के लिए आ सकता है 1 फरवरी तक, ठीक है, या कह लीजिए 1 फरवरी को। फिर डीबी स्टार्ट होने का चांस है 15 फरवरी 2023 से, यानी 15 फरवरी से डीबी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। कितने लड़कों का, 4914 लड़कों का, ठीक है। और देखिए ये डीबी चलेगा आपको लगभग 10 दिन तक डीबी चलेगा। 28 फरवरी तक डीबी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए कॉल लेटर आएगा 15 मार्च 2023 तक आ सकता है। ये अपार्टमेंट ऑर्डर भी कब तक आएगा, 31 मार्च तक आ सकता है, यानी कह लीजिए अप्रैल में हम लोग का ज्वाइनिंग हो सकता है। कितने कैंडिडेट्स का, 4914 का। तो हम लोग के लिए खुशखबरी है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे नए नए वीडियो अब तक पहुँच सके। धन्यवाद आप सभी को।